hello students so today we will discuss chapter number two the indus Fali civilization in chapter one we have discussed about mesopotamian civilization one more thing i want to ask you that if you want uh, exercises video also do write in comment section okay because for chapter one i have made the explanation video only if you want exercises i will make video for a separate video for exercises okay but what i required i required your comment that you want exercises so first we will start with a get set section okay so here in get set section uh, what is written about indus valley civilization that the person who has seen first time or think about something about indus valley civilization is charles mission he was british adventurer फर्स्ट सॉ द माउंट्स इन हरप्पा माउंट्स उसने देखे और उस माउंट्स को देखने के बाद उसको ऐसे लगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है वो माउंट्स उसने कहाँ पर देखे बेटा पाकिस्तान वाले एरिया में पहले तो इंडिया और पाकिस्तान सेम ही था है ना उसने पाकिस्तान में देखे इट ऑलमोस्ट अ सेंचुरी उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा प्रॉपर उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और ध्यान नहीं देने के बाद बाद में नाइनटीन ट्वेंटी में जब रेलवे लाइन रेलवे ट्रैक हो रहा था कहाँ से uh, उस एरिया में रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वहाँ पर फिर से एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ किसने स्टार्ट किया दयाराम शाहानी और आर डी बेनर्जी ने और जो एक्सकवेशन था वो किसके अंडर में कैरी कर हुआ मतलब कौन करवा रहे थे उस एक्सकवेशन को सर जॉन मार्शल ठीक है तो अगर कोई बात करता है कि पहले फर्स्ट पहले किसने नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ हो सकता है वो थे चार्ल्स मैशन फिर एक्सावेशन स्टार्ट करवाया तो उसमें दो मेन एक्सपर्ट्स थे दयाराम चानी और आर डी और ये जो कंप्लीट एक्सावेशन था ये किसकी गाइडेंस में हो रहा था सर जॉन मार्शल कौन सर जॉन मार्शल ठीक है सो द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सबसे क्यूंट ऐसा नहीं हुआ है बेटा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बार में हमको सब कुछ पता चल गया है पहले थोड़ा एक्सर्वेशन हुए फिर बंद हो गए फिर एक्सकर्वेशन हुए फिर किसी रीजन से बंद हो गए तो धीरे धीरे करके हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्ड में बहुत कुछ पता चला है और इससे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हिस्टोरियंस हैं वो पता लगा पाए हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी है 4,500 ईयर बैक की कितने साल पुरानी है 4,500 ईयर बैक की सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन हाउ एवर एक्सकवेशन एक्सकविशन एट भिराना इन हरियाणा हैव लेड एक्सपर्ट टू बिलीव द एंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट एट हंड्रेड एट थाउजेंड ईयर ओल्ड ठीक है पहले तो हमने फर्स्ट टाइम में हमको मोहनजोद हरप्पा ये सारी साइट्स मिली पर अभी जो रिसेंट बिल्कुल रीसेंट में एक्सविशन हो रहे हैं रिसेंट एक्सविशन से मतलब है मेरा टू थाउजेंड टू से थ्री में एक्सविशन हुए बिराना में फिर जीरो फोर से फाइव में फिर हिराना में एक्सविशन हुए तो ये जो एक्सविशन हुए ये जो खुदाई हुई इससे हमको पता चलता है कि ये जो साइट है बिराना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका हम अंदाज़ा लगा रहे थे अभी तक कि फोर थाउजेंड फाइव ईयर बैक की है उससे भी ज़्यादा पुरानी है बात समझ में आ रही है एट थाउजेंड ईयर ओल्ड है हो सकता है कि पूरा कंप्लीट रिसर्च होने के बाद आपको ये पता चले कि भिराना सबसे अर्लीस्ट साइट बन जाए ठीक है किसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्योंकि वहाँ के एक्सर्वेशन बोलते हैं कि जो भी कुछ वहाँ पर मटेरियल मिल रहा है वो कितना पुराना है एट थाउजेंड ईयर बैक का है ठीक हुई बात यस भिराना हैज़ एमस्ज द ओल्डेस्ट इंडस साइट भिराना को किसका स्टेटस दे दिया हमने भिराना हैज़ एमस्ड एज ओल्डेस्ट इंडस साइट ठीक कोई बात भिराना के साथ में राखी गड़ी राखी गड़ी थोड़ा सा पहले और बाद में चालू हुआ और अभी आपकी बुक ने इंक्लूड नहीं किया है नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपकी बुक इंक्लूड करें सिन्ली क्या तो सिनोली भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या मिला है रिसर्च का सोर्स मिला है राखी घड़ी तो है ही और भिना को तो हमने बोल दिया है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है मैडम तो मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में भी बोला था फिर से बोलूँगी कि सीक्रेट्स ऑफ सिनहोली वाला जो वीडियो है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है यू, यूट्यूब में वो आपको देखना ही है ठीक है एक बार देखो बहुत अच्छे से मनोज वाजपेयी ने बताया है उसमें जिसने भी लिखा है वो भी बहुत अच्छे से लिखा है ठीक है सो नाओ नेक्स्ट टॉपिक इज मेन साइट्स फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर डिस्कवरी हरप्पा बहुत सालों बाद तक ऐसा लगा कि सिर्फ मोहनजुदारो और उसकी जो नियर बाय साइट है बस वही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहीं तक लिमिटेड एरिया था इतने में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ठीक है जो रिवर इंडस थी। थी। के आसपास वाला एरिया मतलब इसको हिंदी में हिंदू रिवर बोलते हैं इंग्लिश में इंडस रिवर उसके आसपास वाला एरिया है सिर्फ यहीं पर क्या हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन पर लेटर एक्साविशन जो हुआ है जो अभी रिसेंट में मिड टाइम में जो एक्साविशन हुए उससे हमको आइडिया लगा वहाँ से हमको आइडिया लिया और वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवील हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिससे हमें पता चलता है कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ वेरी स्मॉल एरिया इट इज़ स्प्रेडेड ओवर अ लार्ज एरिया ठीक है बहुत बड़े एरिया में थी जैसे हैव बीन फाउंड इन कोट डीजी जी अमरी वेट जो साइट हमको पता थी वो तो पता ही थी बेटा उसके अलावा भी जब लेटर एक्सिबिशन हुए तो उसके अंदर क्या क्या कोट अमरी चान दारो जो अभी पूरी की पूरी कहाँ पर है पाकिस्तान में है भिराना मनावली राखी गढ़ी कहाँ पर है हरियाणा में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से याद रखना की पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट मिली है कोट डीजी अमरी छानूदारो छानूदारो कोटदजी अमरी ये सा, तीनों साइड कहाँ पर है पाकिस्तान में फिर हरियाणा स्टेट में क्या क्या मिला है भिराना मनावली राखीगढ़ी ठीक है राखीगढ़ी को भी एक टाइम में ऐसे बोला जा रहा था कि सबसे बड़ी सिटी होगी शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहले हम मोहन को बोलते थे आप किसको बोलेंगे राखीगढ़ी को बोलेंगे अब स्टूडेंट से एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर वहाँ पर प्रॉपर सिटी बनी हुई है जहाँ पर लिविंग एरिया है तो यहाँ पर तो अब हम एक्सावेशन कर नहीं पाएंगे बहुत मुश्किल होगा इसीलिए राखी गढ़ी का भी प्रॉपर एक्सावेशन नहीं हुआ है क्योंकि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी पब्लिक रह रही है ना यस पंजाब में रूपर मिला गिरपुर मिला है उत्तर प्रदेश में कालीबंगन मिला है राजस्थान में लोथल रंगपुर रोजड़ी ढोलावीरा मिला है गुजरात में तो ये तीन तीन आप याद रखेंगे मेरे साथ एक बार बोलें कोट दीजिए अमरी छानदारो कहाँ पर मिला है पाकिस्तान में मिला है भिराना बनावली राखी गढ़ी कहाँ मिला है हरियाणा में मिला है रूपर पंजाब में मिला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मिला है कालीबंगा राजस्थान में लोथल रंगपुर रोजड़ी ढोलावीरा खा पर मिला है गुजरात में ठीक है तो इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत लार्ज एरिया में फैला हुआ सिविलाइजेशन था सिंस द मेन साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन हरप्पा एंड मोहनजोदड़ू क्योंकि पहला जो एक्सविशन था हमारा बहुत लिमिटेड एक्सविशन था तो उस एक्सविशन में हमको सिर्फ क्या मिला बेटा हम लोगों ने ज्यादा एक्सविशन किया ही नहीं तो हमको उस टाइम में सिर्फ क्या मिला हरप्पा और मोहनजोदार ठीक है जो आसपास कहाँ मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिल्कुल पास में मिले इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि ये इंडस रिवर है इसके आसपास में हरप्पा मोहनजोधरो मिल गए उनको लगा कि बस इधर तक ही लिमिटेड है तो इसका नाम इस रिवर के ऊपर रख दो इंडस वैली सिविलाइजेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन इसको हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सपेटेड फर्स्ट साइडेट हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो हरप्पा और इसी के नाम से क्या नाम रख दिया हमने सिविलाइजेशन का हरप्पन सिविलाइजेशन ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों आया क्योंकि वो रिवर इंडस के आसपास में थी ठीक है तो दोनों चीजें याद रखें वन मार्क के क्वेश्चन के लिए नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सोर्सेज मच ऑफ अवर नॉलेज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज जिस तरह भी आज तक हमें नॉलेज मिला है किसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसमें बेसिक uh, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज जैसे बहुत बड़ी बड़ी ग्रीनरीज ग्रीनरीज वो जगह हैं जहाँ पर ये लोग अपने ग्रीनस को प्रॉपरली स्टॉक करके रखते थे ठीक है ग्रीनरीज है ठरप्पा ग्रेट बात कहाँ पर मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है मोहनजोदारो जो एक ऋतिक रोशन की मूवी भी है उसको भी मुझे लगता है कि आपको एक बार तो देखना ही चाहिए मोहनजोदारो में क्या मिला है बेटा ग्रेट बात ग्रेनरीज कहाँ मिली है हरप्पा में आर्टिफिक्स एंड ऑर्नामेंट्स पॉट्स स्टेच्यू सील्स ये सब भी दोनों ही साइड्स में मिला है इंडस स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डेसीफोर्ड डेसीफोर करना मतलब तोड़ के समझ जाना डी कर लेना पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि हम सारे स्क्रिप्ट को डी कर पाए हैं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी लिखा गया है हम उसको आज तक नहीं पढ़ पा रहे हैं इतने सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं स्टोरियंस काम कर रहे हैं देन टू टिल डेट हमारा साइंस और अपन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाया है डेसीफर नहीं कर पाया है डेसीफर का मतलब कि हम उसको पढ़ने लग जाए जैसे बेटा ये कैट लिखा है आप इसको पढ़ लोगे ये कम कम लिखा है आप इसको भी पढ़ लोगे पर जब सिंचन स्टार्ट होता है है ना सिंचर स्टार्ट होता है तो वो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हुए आपको मिलते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हैं ऐसे ऐसे लिखे हुए होते हैं ना वो तो क्या आप ये पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हुआ? क्योंकि हमको ये जैपनीज स्क्रिप्ट आती नहीं जो भी है, जो स्क्रिप्ट है ये हमको नहीं आती है ना तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है आज तक की डेट में कोई भी डेसीफोर नहीं कर पाया है जिस दिन हम इसको डेसीफोर कर लेंगे डी कर लेंगे जितने भी हिडन चीजें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो भी हमको समझ आ जाएंगी ठीक है ये पीरियड अब विच पीरियड द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड रफली किस पीरियड में फ्लोरिश की समृद्ध हुई